हमारे देश में अंगदान का प्रमाण काफी कम है। अंगदान को लेकर समाज में अलग अलग धारणा है, इसलिए अंगदान के लिए समाज को जागरूक करना जरूरी है। अंगदान के लिए प्रेरित करने के लिए सामाजिक अभियान चलाया जाना चाहिए, ऐसा शासकीय चिकित्सा अस्पताल व महाविद्यालय मेडिकल के अधिष्ठाता डॉक्टर राज गजबी ने कहा। 3 अगस्त को विश्व अंगदान दिवस पर मेडिकल में कार्यक्रम आयोजित किया गया है। कार्यक्रम की जानकारी देते हुए डॉक्टर गजबी ने अंगदान का महत्व बताया। मेडिकल के चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर अविनाश गावंडे के मार्गदर्शन व संयोजन से पिछले 15 दिन से विविध स्थानों व महाविद्यालयों में विविध स्पर्धाओं का आयोजन किया जा रहा है। स्पर्धाओं के माध्यम से जन जन में अंगदान के प्रति जागरूकता फैलाई जा रही है। जागरूकता अभियान का मुख्य कार्यक्रम 3 अगस्त को महारैली के रूप में होगा। रैली में विधायक मोहन मते, अधिष्ठाता डॉक्टर राज गजबी, चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर अविनाश कावंटे समेत उपस्थित अन्य अतिथिगण हरी झंडी दिखाएंगे। महारैली सुबह 10 बजे मेडिकल से निकलकर तुकड़ोजी पुतला चौक से होते हुए सुपर स्पेशलिटी अस्पताल से आगे अधिष्ठाता कार्यालय पहुंचेगी। ब्लड डोनेशन का कार्यक्रम जीएमसी में 3 तारीख को आयोजित किया गया है। इसमें हम काफ़ी सारी उसमें उस दिन प्रोग्राम्स हमने रखे हुए हैं, उसमें से एक प्रोमिनेंट प्रोग्राम है ऑर्गन डोनेशन अवेयरनेस रैली हम कर रहे हैं, जिसमें हमारे अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स, पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स, नर्सिंग स्टाफ और भी बाकी कर्मचारीगण ये सब उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। वो रैली जीएमसी के गेट से निकल के ऐसे बाजू में एक 1.5-2 किलोमीटर का फेरा मारते हुए सबके हाथ में कुछ प्लैंक्स रहेंगे, और जिससे कि अवेयरनेस के बारे में लोगों को अग्रेषित किया जाए, और ये रैली निकल के फिर से जीएमसी में ही एंड होगी। उसी तरीके से हमने उस दिन कुछ ऐसे कॉम्पिटिशन भी रखी हुई है, हमने कुछ पोस्टर कॉम्पिटिशन्स भी रखे हुए हैं, हमने उस दिन रंगोली कॉम्पिटिशन भी रखी हुई है। ऐसे अनेक प्रोग्राम्स आयोजित हमने किए हैं, सो दैट इसके बारे में स्टूडेंट्स में और बाकी पेशेंट्स में भी अवेयरनेस बढ़े। हमने एक वन एक्ट प्ले अपना स्किट भी रखी हुई है, जो कि ओपीडी के एरिया में वो स्किट की जाएगी, और उसमें ओपीडी में आने वाले जो रुग्ण हैं और उनके जो रिलेटिव्स हैं उनके बारे में उनमें अवेयरनेस फैलेगी। इस रैली में समाज सेवियों, संगठनों, स्वास्थ्य क्षेत्र के लोगों से बड़ी संख्या में भाग लेने का आह्वान किया गया है। कैमरा पर्सन राजकुमार बोहड़ के साथ क्षितिजा देशमुख की रिपोर्ट। ऑरेंज सिटी हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट नागपुर, जो नागपुर का पहला और एकमात्र NABH द्वारा मान्यता प्राप्त अस्पताल है। देश के पहले 50 अस्पतालों में से NABH द्वारा पुनः प्रमाणित ऑरेंज सिटी हॉस्पिटल है। गत 25 से अधिक सालों से मध्य भारत का मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल के रूप में यह अस्पताल प्रसिद्ध है। सभी कैशलेस इंश्योरेंस सेवाएं, साथ ही सभी प्रकार की कॉरपोरेट सेवाएं भी उपलब्ध है। इस अस्पताल में महाराष्ट्र शासन की महात्मा ज्योतिबा फुले जन आरोग्य योजना के तहत क्रिटिकल सर्जरी का मुफ्त इलाज भी किया जाता है। इसी प्रकार से हॉस्पिटल में ऑर्थोपेडिक, ट्रॉमा, बर्न केसेस, कार्डियोलॉजी, लेप्रोस्कोपिक सर्जरीज, न्यूरो सर्जरीज, पेडियाट्रिक सर्जरीज, यूरोलॉजी जैसे और भी क्रिटिकल केयर यूनिट है। इसके अलावा यह अस्पताल रेडियोलॉजी, एम्बुलेंस, फार्मेसी, आपातकालीन सेवाएं भी 24/7 प्रदान करता है।